क्या सी बात है। अब ये है ना कि फाइनली एक तो इंडिया का सेमीफाइनल में ये इंश्योर हो गया कि 1-4 ही होना है। अब 4 में क्या है, अब अगेन देखो ये तय हो गया, 2019 की तरह हो रहा है। जो दूसरा सेमीफाइनल है कोलकाता में 16 तारीख को, वो सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2 है, ऑस्ट्रेलिया 3 होगा, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूसरा सेमीफाइनल इडन गार्डन्स कोलकाता 16 तारीख को खेलेंगे। अब पहला सेमीफाइनल चूंकि इंडिया ने मुंबई में ही खेलना है, ये पहले से तय है 15 तारीख को, वो आप अपनी टिकट जो है बुक कर दीजिए। अब इंडिया किसके साथ आएगा ये सवाल पर भी तो है ना, और इसमें भी जब आप मुंबई बोल रहे हो तो मतलब पाकिस्तान एलिमिनेट हो गया वहां से। मैं वही कह रहा हूं, ये पेच ये है कि अगर पाकिस्तान आ गया सेमीफाइनल में, क्योंकि इंडिया ने अब चौथी को ही खेलना है, तो वो न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, इन्हीं में से एक आएगा। तो अगर वो पाकिस्तान आता है तो भाई साहब रुक जाओ, फिर आप अपनी बुकिंग कोलकाता 16 तारीख की करा लो, क्योंकि पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल कोलकाता में ही खेलेगा। अब 2019 याद तो करना नहीं चाहिए सर, ये 11 तारीख को, देखो 11 नहीं, आई थिंक आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पाकिस्तान से भी हमारे बहुत से फैंस होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे। भाई अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया ना, तो फिर न्यूजीलैंड ही आ रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच कह रहे हैं, बरसात के भी इम्कान हैं, अगर पॉइंट शेयर हो गए तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को एक रन से हरा दे तो भी वो थ्रू हो जाता है। लेकिन इसके बीच अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान एक्चुअली के पास 2 मैच हैं और सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया। और मैं एक बात कहूं आपको, जो मैंने आज साउथ अफ्रीका को देखा है ना मनोज, अगर कहीं वो ऐसा मैच होगा कि अफगानिस्तान ने थोड़े बहुत रन बना दिए और इनको चेज करने को पड़ गया, 260 तक गई ना, ये अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को भी लगा देगा। नाज़रीन जैसे कि आपने सुना है, अब पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में चांसेस बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में मुकाबला भी भारत से होने वाला है। जी हाँ, न्यूजीलैंड बमकाबला श्रीलंका मैच में 80-90% बारिश के चांसेस हैं। अगर बारिश हो जाती है तो फिर एक एक पॉइंट न्यूजीलैंड और श्रीलंका को दे दिया जाएगा, जिसके बाद न्यूजीलैंड के हो जाएंगे 9 पॉइंट और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतकर 10 पॉइंट्स पर चला जाएगा, जिसके बाद आसानी के साथ पाकिस्तान टीम अपना सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। तो आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।